विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है एंड आई नो विंटर्स में होता है कि हम लोग घर पर बैठे आराम से कहीं बाहर ना निकले, लेकिन साथ ही साथ विंटर्स का जो फेवरेट फेस्टिवल है यानी कि क्रिसमस जो है वो भी आने वाला है। तो क्रिसमस की धूम जो है आज क्रिसमस कार्निवल जो है श्रीराम ग्लोबल स्कूल में किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही हैपनिंग वाइब्स, एक वो पॉजिटिविटी वाली अच्छी एनर्जेटिक वाइब्स आ रही है। और जैसे ही मैं एंटर करती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट मुझे चीजें दिखाई दे रही है कि क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है आज के इस जो कार्निवल है। कैमल एंड हॉर्स राइडिंग स्टॉल्स हैं, डांस जॉय राइड्स है, तो बच्चे मैं देख भी पा रही हूँ, बहुत से बच्चे और पेरेंट्स जो है आज यहाँ पर पहुंचे हुए। संडे का दिन है लेकिन किस तरीके से एंजॉय करते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए, बच्चों से भी बातचीत करेंगे, टीचर से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना, कितना मजा आ रहा है। मैं अगर बात करूँ जैसी एंट्री की, एक वाइब्स बहुत अच्छी आई है, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। हेलो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ उन्हें कितना मजा आ रहा है। मैम सबसे पहले तो थैंक यू है आपका कि आप स्कूल की कवरेज के लिए आए हैं, लेकिन जितना मज़ा बच्चों को आएगा उतना ही मज़ा यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। पेरेंट्स के लिए तो यही रहता है कि बच्चे खुश हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिक खुश हैं। और मैं देख रही हूँ पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, वो भी स्टेज पर डांस कर रहे हैं जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये श्री राम ग्लोबल के प्रिंसिपल की रहती है कि वो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी पूरा ध्यान रखते हैं और उनको भी इंजॉयमेंट कराते हैं। ऐसा नहीं वो होने देते कि सिर्फ बच्चों के लिए ही सब कुछ है, तो सबके लिए सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल रहती हैं हमेशा। तो बहुत अच्छी बात है कि एक्टिविटीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। और जैसे मैं देखो यहाँ पर एंट्री करती हूँ, रजिस्ट्रेशन काउंटर है, तो किसी को भी डांस करना है कुछ करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस तरह के कार्निवल, इस तरह के इवेंट्स जो है स्कूल में होते रहने चाहिए, क्योंकि एक ना इंटरेक्शन भी बढ़ती है, पेरेंट्स और बच्चे साथ में इंजॉय करते हैं, टीचर से बातचीत करने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, कुछ रोल द डाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, गेम्स भी हैं, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। और जो फूड की इतनी बात हो रही थी, सभी बच्चे फूड का इतना जिक्र कर रहे हैं कि फूड है यहाँ पर, सैंडविच है, ये है, वो है, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हेल्दी ड्रिंक्स यहाँ पर, और बच्चे खुद जो है किस तरीके से शेफ बने हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं और टीचर्स की गाइडेंस में ये सब चीज़ें हो रही है। हाय, क्या नाम है आपका? माय नेम इज भाविक। भाविक, क्या कुछ कर रहे हो आज आप इस स्टॉल पर? आई एम सेलिंग फ्रूट्स, जूसेस एंड माउंटेन ड्यू एंड कोका कोला। अच्छा, मजा आ रहा है? यस मैम। तो बच्चे, तो आपका क्या नाम है? मान्या। क्या कर रहे हो आज आप यहाँ पर? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न सेल कर रहे हो? यस। कितना मजा आ रहा है आज के इस कार्निवल में? सो मच। और मैं देख रही हूँ बच्चे तो हैं, साथ में टीचर्स भी मौजूद हैं और टीचर्स की गाइडेंस में सभी चीज़ें हो रही हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाय मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि एक्टिविटीज आपने बहुत अच्छी की हुई है कि बच्चे खुद सेल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? इसके वन गेम इज वाज थ्रो द रिंग एंड विन द प्राइज एंड दे ऑलरेडी हैड फिनिश्ड द थिंग एंड बट स्टिल दे वांट टू एंजॉय, सो वी आर ट्राइंग कि वी कैन गेट मोर स्टफ सो वी कैन नो मोर प्ले देन दे विल एंजॉय। तो पेरेंट्स के लिए भी एक्टिविटीज रखी है? पेरेंट्स के लिए एक्टिविटीज, दे विल एंजॉय आल्सो, द रिंग गेम इज एनीवन कैन प्ले। तो आगे चलते हैं, तो आगे के स्टॉल पर बढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर गोलगप्पे जो है मिल रहे हैं और देख सकते हैं स्टूडेंट्स खुद तैयार कर रहे हैं, पेरेंट्स पहुँचे हैं और यहाँ भी गेम चल रही है वही वाली, तो गेम खेलो और आप लोग जो है गोलगप्पे कुछ भी खा सकते हैं, काफी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। क्रिसमस कार्निवल श्रीराम ग्लोबल स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और टॉफी मिली फेवरेट वाली, बहुत ही मजेदार यहाँ पर हो रहा है, सेंटा क्लॉज बने हुए, गिफ्ट्स बच्चों को मिल रहे हैं, एंजॉयमेंट करते हुए यहाँ पर टीचर्स भी दिख रहे हैं, पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, टीचर्स से बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, क्रिसमस कार्निवल, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स इतना एंजॉय, टीचर्स आपको भी देखा, आप भी काफी एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सी वी आर वेरी एक्साइटेड, टुडे वी हैव क्रिसमस कार्निवल इन आवर स्कूल एंड वी हैव लॉट ऑफ स्टॉल्स इन आवर स्कूल एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स आर एंजॉयिंग सो मच, वी हैव डीजे एज वेल, दोज ओपन अपॉर्चुनिटी, दोज हु वांट्स टू गो फॉर डांस दे कैन ऑल्सो गो फॉर डांस एंड वी आर वेरी एक्साइटेड विद आवर इवेंट, सो दैट्स इट। एक्साइटमेंट आपके मैम के फेस पर दिख रही है जैसे वो बोल रहे हैं, और कुछ बच्चों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? यक्ष। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस चीज का स्टॉल लगाया हुआ है? टॉय स्टॉल। टॉय स्टॉल लगाया हुआ है,
अच्छा, और क्या कुछ दे रहे हो आप यहाँ पर टॉयज में? छोटे स्मॉल किड्स टॉयज आर देयर एंड मास्क्स आर आल्सो देयर, रैकेट्स आर आल्सो देयर, क्रिकेट। कितना एंजॉय कर रहे हो? वेरी मच। आप कितना एंजॉय कर रहे हो? वेरी मच। क्या कुछ एक्टिविटीज की अभी तक? वेरी मच एक्टिविटीज, वी हैव प्ले स्पिन द व्हील गेम आल्सो। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बबल्स किस तरीके से बबल्स भी यहाँ पर, तो सब लोग एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ है, आगे के अगर स्टॉल में पर हम लोग बढ़ते हैं। और पेरेंट्स को मजा आ रहा है, टीचर्स को मजा आ रहा है क्रिसमस कार्निवल, जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने बोला कि पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड स्टॉल्स देख पा रही हूँ, गेम स्टॉल्स देख पा रही हूँ, राइडिंग भी देख पा रही हूँ कि कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, उधर डांस चल रहा है स्टेज पर, सभी बच्चे मजे से मतलब एंजॉय। यहाँ पर मैं कॉफी देख पा रही हूँ, कोल्ड कॉफी जो है बनाई जा रही है, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर क्रिसमस हो, क्रिसमस जो है बिना पेस्ट्री और बिना केक्स के अधूरी है, तो बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, आप क्या पेस्ट्री दे रहे हैं? हालांकि मुझे लगता है क्रिसमस बिना पेस्ट्री केक्स के अधूरी होती है। यस, माय नेम इज परनीत एंड आई एम फ्रॉम श्रीराम ब्रदर्स स्कूल फ्रॉम ग्रेड 10। दैट क्रिसमस इज द डे व्हेन सेंटा क्लॉज कम, सो इट विल नॉट फिनिश विदाउट दी सम स्वीट्स और अ पेस्ट्री। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस क्रिसमस कार्निवल के बारे में? दिस कार्निवल इज वेरी नाइस एंड विदाउट केक द कार्निवल इज इनकम्प्लीट। यस, ये बिल्कुल ठीक बोला, विदाउट लाइक पेस्ट्रीज केक्स कार्निवल इज डेफिनेटली इनकम्प्लीट। आगे बढ़ते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए एक वो जो गेम से, ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं, इस पे देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ तो कॉटन कैंडी भी मिल रही है और वो तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो सभी चीजें हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, गेम्स भी हैं, खाना भी है। सो क्रिसमस कार्निवल सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात करूं, बच्चों की बात करूं, टीचर्स की बात करूं, और इतना एनर्जेटिक यहाँ पर मतलब वाइब्स हुए, आप मुझे देख सकते हैं मैंने जैकेट उतार दिया, इतना ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर। तो सब बच्चों से बात हुई है, पेरेंट्स से बात हुई है, तो प्रिंसिपल मैम यहाँ पर मौजूद है स्कूल से, सविता कपूर जी, उनसे बातचीत करते हैं। हाय मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी कि आपका जो कार्निवल है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, सभी लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस कार्निवल के बारे में? The children have really worked hard for that, no? It is the teacher's guidance, and I'm very proud. I always say I'm very proud of my staff. They are working relentlessly for this, and all the things have been prepared by my children, and the enthusiasm with which they have worked, that is awesome. और कितने टाइम से प्रिपरेशंस चल रही थी? नहीं, it is not like we didn't give them much days because मुझे पता है मेरा स्टाफ and my children, they are awesome. I'm very proud of my school, because we know that we have got unconditional support from the management also. I just need to tell them I'm going to do that, and they are standing by me like anything. So we just gave them they knew if we are going to have it, and I gave them the liberty, you choose what you want to present. So they came up with such wonderful ideas. We have got toys shops also here, and whatever, be it pav bhaji or the froth creams and all that stuff, that has been created by prepared by my own children. And yeah, I'm very happy to see the gathering, the credit goes to the parents as well. You complete participation dikh raha hai, parents aur students ka, teachers ka, sabka. Yeah, shayad aap us time tak abhi aaye nahi the, because it was very foggy in the morning. Still the parents stand up in a huge number, and the way they danced on the floor, it was awesome. It is actually what happens is ki ab jab tak unhe bolte nahi hai, like at some parents ko hota ki mujhe koi bole to main chalu, so my teachers, they told them, "Mom, please," and I told the parents, ek parent do ko pakad ke le jao bhai, and it was fun, and the children, they carried the parents there to the stage, and it is only the stage fear which stops, otherwise once they are on the stage, there's no stopping back. Even the grandparents were there. It was fun, and I'm very happy to see how energetically the parents have been participating. They have brought small babies with the feeders, and still they are happy, they are participating in that. I'm really thankful to all the parents, my management and my staff, and the children of course, because only the staff cannot do, only Savita Kapoor, only the principal of any school can do. If it has to be successful, it has to be a teamwork, and I'm very proud of my team. Yes, teamwork तो definitely दिखाई दे रहा है कि स्टेज पर जाकर पेरेंट्स भी खुद ब खुद जो है डांस कर रहे हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उनको मजा इतना ज्यादा आ रहा है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। Yes,
गेस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप तो एक गेस्ट के तौर पर आई हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कितना मतलब मजा आ रहा है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सविता मैम फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस एंड क्रेडिट गोज टू ओनली सविता कपूर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड द स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो। दिस इज बिकॉज ऑफ द अंडर द लीडरशिप ऑफ मैम ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और आई एम सो हैप्पी टू सी कि इतना अच्छा मैम ने ये प्रोग्राम किया है फॉर द पेरेंट एंड और स्टूडेंट्स के लिए। वेरी नाइस, नो वर्ड्स फॉर द प्रेज। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, कुछ पेरेंट्स से उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के इस क्रिसमस कार्निवल का? Yeah, experience is very good. Basically, मतलब it's a good get together of everyone individually with their parents, teachers and all. मतलब इस तरीके से common platform से basically एक relation बनता है, एक communication बनता है कि हाँ मतलब we know each other basically. Parents के साथ भी interaction होता है. Definitely, it's a common platform for interacting to the each others and even it will give a good output basically for the team. तो सही है, मतलब पेरेंट बच्चे तो फ्रेंड्स होते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है आज उनको भी मौका मिलता है कि वो लोग भी फ्रेंड्स बनते हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हैं गोदी में हैं, लेकिन सब लोग जो एंजॉय करते दिख रहे हैं। कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों को कितना मजा आया और आपको कितना मजा आया यहाँ पहुंचकर? सेम लाइक दैट, पेरेंट्स के लिए किड्स की तरह एक एंटरटेनमेंट करने के लिए मौका मिला। इट्स डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स को भी अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं। डेफिनेटली स्टेज आ जाते हैं, स्टेज पे वो बिना कुछ भूले हुए एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। थैंक्स टू श्रीराम ग्लोबल, वो एवरी ईयर ऐसा पेरेंट्स को एंजॉय करने का एक मौका देते हैं। एंड इज द लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, फॉर द एजुकेशन, फॉर द स्टाफ बिहेवियर्स एंड एवरीथिंग द एक्टिविटी दे आर डूइंग द कंप्लीट ईयर्स। आगे आपको लेकर चलती हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटा क्लॉज वहाँ पर बैठे हैं और सभी बच्चे पेरेंट्स उनके पास जाकर जो है पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि उन्हें जो है गिफ्ट देते हुए दिख रहे हैं, टॉफीज जो कैंडीज हैं उन लोगों को मिल रही है। तो काफी मजेदार यहाँ पर एक प्रॉपर एक रह रही है कि फोग थी, जैसे मैम ने बोला फोग था, फिर भी सभी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। और साथ ही साथ मुझे अभी यहाँ पर मैंने देखा था कि कुछ डोरेमोन बने हुए वो भी यहाँ पर घूम रहे थे। मतलब एक बच्चों को मतलब मजा आना चाहिए, छोटे बच्चे काफी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर मैं पहुंच चुकी हूँ, ये सेल्फी पॉइंट्स जो यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और पिक्चर्स क्लिक करवाए। एंड जिस तरीके से आई लव SRGS राम ग्लोबल स्कूल वो भी है, तो पिक्चर्स क्लिक करवाने। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं कि जिस तरह से बाकी बच्चे और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स इंजॉय कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस तरीके से ऐसे स्कूल में आए जहाँ पर जो है इसी तरीके से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी करें, क्यों इंजॉयमेंट भी करें। और स्टेज पर दूर हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन इंक्वायरी भी आप लोगों को मिल जाएगी, एडमिशन ओपन है। तो आप लोग यहाँ पर आकर कोई भी डिटेल्स लेना चाहते हैं वो आप सबको मिल जाएंगे। आप बाकी देख सकते, आप गैदरिंग को देख सकते हैं कितना ज्यादा संडे वाले दिन, अगर आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे घर से निकल रहे हैं तो कितना ज्यादा उनको मजा आया होगा, कितना अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाय मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस क्रिसमस का संडे वाले दिन, मतलब इतनी में गैदरिंग दिख रही हूँ, आप लोग घर से बाहर निकल कर रहे हो, कैसा लग रहा है? जी, श्री राम ग्लोबल स्कूल में मतलब कि ये सबसे प्लस पॉइंट है इनका कि ये बच्चों को तो एंटरटेन कराते ही हैं विद उनके पेरेंट्स को भी हर जगह इन्वॉल्व। अच्छा, वैसे ये नहीं हुआ कि आज तो फोग भी हो गई थी, इतनी ज्यादा ठंड थी तो हुआ नहीं कि नहीं नहीं जाते, घर पर ही रुकते हैं? नहीं हुआ था, बट मेरे पेरेंट्स को इन्होंने मोटिवेट कर रखा है कि भाई नहीं आपने आना है, तो इन्होंने इतना सब स्टोर अरेंज किया हुआ हम लोगों के लिए, तो हमने कहा नहीं छोड़ो बट ठंड है तो जाना है। इंजॉय इतना कराते हैं तो हमारा मन ही नहीं करता मिस करने का यहाँ के मोमेंट्स को। तो ठंड वंड कुछ नहीं, इतना मोटिवेट कर दिया, इतनी आप देख सकते हैं इतनी मेहनत की गई है बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स स्कूल की तरफ से, तो आना तो बनता था। काफी ज्यादा इंजॉयमेंट जरूर हुई है कि आप देख पा रहे हैं हर तरीके से यहाँ पर पिक्चर्स पॉइंट है, आपको खाना कुछ है, आपको इंजॉयमेंट करनी है, आपको राइड्स लेनी है, डांस करना है। और सिर्फ बच्चे डांस नहीं कर रहे स्टेज पर जाकर, लेट मी टेल यू, पेरेंट्स भी वहां जाकर खुद से डांस कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का भी स्टेज पर दूर हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहे हैं बाकी पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्रिसमस कार्निवल, और सभी बच्चों ने इंजॉय किया, पेरेंट्स ने इंजॉय किया, कैमल राइड्स थी और एडमिशन्स भी ओपन है। आप वो डिटेल्स अगर कुछ भी इंक्वायरी चाहिए वो भी आप लोग यहाँ पर आकर ले सकते हैं। कहेंगे आज क्रिसमस कार्निवल के बारे में, कितना इंजॉय किया आपने? आई एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली। मैं तो यहाँ अराउंड 10 o'clock की हूँ, तो अब देख लीजिए ये टाइम क्या हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रैंड लेवल पर मैम ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है एंड कोऑर्डिनेशन इसका इनका बेस्ट रहा है, और बच्चे भी बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने स्टॉल्स को ऑर्गेनाइज किया है।
तो कार्निवल तो हमने आप लोगों को दिखा दिया है, अंदर कुछ क्लासेस भी आप लोगों को दिखाते हैं कि स्कूल जो है किस तरीके से रहते हैं जब आप यहाँ पर आते हो, एम्बियंस किस तरीके से रहते हैं, एटमॉस्फेयर किस तरीके का रहता है, और कुछ स्टूडेंट्स से भी बातचीत करते हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलती हूँ कि क्लास में जैसे हम एंटर करते हैं तो आपको किस तरीके से एक पॉजिटिविटी या किस तरीके की वाइब्स जो है यहाँ पर रहने वाली है, और स्टूडेंट्स में देख पा रही हूँ स्पेशली वो छोटी सी बच्ची जो है उसकी ओर मेरा ध्यान जरूर जा रहा है। कुछ ना कुछ करते हैं, मैम के साथ कॉन्वर्जेशन चल रही है, उनसे बात करते हैं। छोटे बच्चे जो है झूठ नहीं बोलते हैं, वो बताएंगे कैसा उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शाली शेरा। ओके, सो हाउ डू यू लाइक योर स्कूल? शिरी रंग लोवल। यस आई लव माय स्कूल। आई लव माय स्कूल, आई लव माय मैम। ओके, नाउ से माय नेम इज शाली शेरा। माय I study Shri Ram Lower School. She loves school, she loves her teachers, and you know कि बच्चे जो है कभी झूठ नहीं बोलते, और किस तरीके से इतनी क्यूटली बताया, और मैम के साथ बॉन्डिंग देख रहे हो आप। I love my ma'am. हाँ, वो पता चल रहा है कि कितना लव करती है अपनी मैम को। Thank you. देखो स्टूडेंट से उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। Hi, what's your name? मैं मानशा ओझा। So do you think that guidance you are getting in your school is going to benefit in your future? Absolutely. I intend on becoming a journalist in the future, and the school has provided me with plenty of opportunities in the field of public speaking and creative writing. We also have an IELTS lab where we get to practice, and all those exercises we get to practice all external exams so that we don't have to go for tuitions. And our teachers are awesome. They provide us with all sorts of guidance whenever we feel like we're stuck somewhere. तो गाइडेंस का पता चल गया कि गाइडेंस किस तरीके की रहती है या आगे फ्यूचर में किस तरीके के काम आने वाले, वो एक स्टूडेंट से हमने जान लिया है। आई एम प्राची एंड आई एम इन ग्रेड 12th एंड आई हैव जॉइंड द स्कूल इन 2017। आई हैव बीन इन द स्कूल फॉर द लास्ट 6 इयर्स एंड आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसआरजीएस फैमिली। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट ग्रोथ वी हैव नोटिस्ड, देन in the last 6 years our school has grown a tremendous growth, which is a really commendable thing. And today also we are having a carnival, Christmas carnival in our school, where we'll be showing that our talents, be it cooking or dancing or art, this is only because of Shri Ram Global School, as it provides us a platform where we can show our caliber. So at last I would like to say that our school is growing at a really fast pace, and that there's no looking back for SRGS. Thank you. तो आप सोच सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से बोल रहा है कि मैं प्राउड फील करती हूँ मैं स्कूल में हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ स्टडीज पर नहीं फोकस किया जाता, स्टडीज आई नो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिस तरीके से कहा, कुकिंग हो, डांसिंग हो, आर्ट्स हो, वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ स्टूडेंट से बातचीत हो चुकी है, आगे और भी कुछ स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को और स्कूल भी घुमाते हैं। सो एज आई सेड कि मैं आप लोगों को स्कूल घुमाऊंगी, स्कूल दिखाऊंगी, तो अभी मैं आप लोगों को लेकर पहुंची हूँ स्कूल की लाइब्रेरी में। तो आइए अंदर लेकर चलती हूँ किस तरीके की लाइब्रेरी जो है श्री राम ग्लोबल स्कूल में रहती है। और जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं आपको कलरफुल सी बुक्स जो है दिखाई दे रही है, काफी सारी, ढेर सारी बुक्स जो अलग अलग टॉपिक्स पर रहती है। आप देख पा रहे हैं कि बुक्स पूरी भरी हुई, और लाइब्रेरी इसी तरीके से रहती है, बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल कार्निवल भी चल रहा है, बच्चे मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, आइए उनसे भी मैं बातचीत करती हूँ। आई लव माय स्कूल and my school is very big. When I enter in it, I feel like I'm in a castle. Oh my god. And I love my teachers, principal ma'am, and I learn so many things here, like study, dance, music, everything. Thank you. She is definitely a princess. की जैसे ही एंटर करती है, I feel like it's a castle. तो और भी स्टूडेंट से उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। Hi, what's your name? My name is Atharv. Atharv, so how long you've been here in this school? I'm here from past 2 months, and I was in Panipat earlier, and our environment is here is very good, and I'm really happy to be a part of SRGS. तो बहुत हैप्पी है कि जब इस स्कूल का पार्ट है, पहले पानीपत में थे, अब करनाल में आकर। और आपको पता है छोटे बच्चों को एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन 2 months में इतना बच्चा हैप्पी, आप सोच सकते हैं उसके फेस पर आप लोगों को स्माइल दिख रही थी। तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे से टीचर्स का और पूरे स्टाफ का कितना अच्छा एक जो है इकट्ठा
एक सांझ घाट रहती है कि बच्चों को समझाने में, उनको परखने में कितनी जरूरत होती है, वो मैं जरूर स्कूल में देख पा रही हूँ। तो मैं कहूंगी कि आप लोगों को भी मजा मुझे लगता है आ ही रहा होगा जब मैं बच्चों से बातचीत करूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है बच्चों से बातचीत करूँ। तो आइए और भी बच्चों से, पेरेंट्स से बातचीत होगी, स्कूल के बारे में भी थोड़ा मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ क्या कुछ यहाँ पर रहता है। तो अब मैं आप लोगों को लेकर पहुंची हूँ आर्ट रूम में कि आर्ट रूम जो है किस तरीके का रहता है स्कूल का। और जैसे मैं एंटर कर पा रही हूँ आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से आप लोगों को आर्ट रूम किस तरीके से रहने वाला है। बच्चे जो है मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अगर कार्निवल चल रहा है तो बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ भी सोच रहे होंगे क्या करना है, किस तरीके का अभी चल रहा है। लेकिन हालांकि फ्यूचर में भी तो पता है आप लोगों को और भी काफी सारी एक्टिविटीज रहती है स्कूल में। तो कुछ स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? वारुणी। Varuni, I get to know that you're an anchor. So can you please just share your experiences with us? Yes, of course. I would love to do that. It was wonderful to be on stage. It helped me boost my confidence. And I feel I can handle stage pretty well. My God. आप कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं इस बच्ची का, क्या कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से इसने मुझे जवाब दिया, मतलब मुझसे ज्यादा इसका कॉन्फिडेंस था। तो और भी स्टूडेंट है उनसे बातचीत करते हैं। Hi, what's your name? My name is Sarika. So Sarika, just tell me about yourself and about your school. My name is Sarika. I am from grade 7. I have joined Sri Ram Global School in this session only. In my previous school, we didn't get an environment to speak in English, but in this school, we are conversing in English only. We get a lot of support from our teachers. बहुत सपोर्ट मिलता है टीचर से। और जितने भी बच्चे, अगर मैं ये बातचीत कर रही हूँ कि अभी स्कूल चेंज किया कुछ टाइम पहले यहाँ पर आए हैं, तो इस तरीके से काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप लोगों को यही कहूंगी कि वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों से भी बातचीत करते हैं। क्रिसमस ट्री के बिना अधूरा होता है, देख पा रहे हैं किस तरीके से क्रिसमस ट्री है, गिफ्ट्स रखे हुए हैं, सेंटा क्लोज भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्रिसमस में। तो वही आप बच्चों से बातचीत हो चुकी है, पेरेंट्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी एक इंटरेस्ट होता है कि बच्चों के साथ ना उन्हें अपना बचपन जीने को मिल जाता है, वो भी पिक्चर्स क्लिक करवा लेते हैं उनको भी, क्योंकि थोड़ा सा तो अच्छा लगता ही है। कुछ पेरेंट्स से उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें बेसिकली स्कूल के बारे में बात करूँ या बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाय मैम, क्या नाम है आपका? मैम कुसुम। कुसुम जी, तो कैसा लग रहा है अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कार्निवल की बात करूं, एक्टिविटीज होती रहती है, तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा मैम, मेरी बेटी वामिका है मैम, 10th क्लास में पढ़ती है, 4 साल से यही है और आज तक मैम स्कूल की तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और मिसिज सविता कपूर प्रिंसिपल मैम है, जो कोई भी बच्चों को डाउट होता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो मैम साथ के साथ उनको दूर करते हैं। और भी पेरेंट्स उनसे बातचीत करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं और क्रिसमस कार्निवल की बात करिए, कोई भी और भी मुझे लगता है हर फेस्टिवल में एक्टिविटीज तो रहती है कुछ ना कुछ, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है आपका और बच्चों दोनों का? इससे बच्चे बहुत ही एक्टिव और उत्साहित होते हैं, उन्हें अपने जो भी फेस्टिवल होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही स्कूल में आने से मेरे बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप हुई है और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। जैसे बच्चे पहले हेजिटेशन करते थे और हमारे अंदर भी हेजिटेशन मतलब खत्म हुआ है, बच्चे के साथ साथ हमारे भी लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए अच्छा लगता है स्कूल में आना। तो मतलब बच्चों के अंदर तो चेंजेस आए हैं लेकिन पेरेंट्स के अंदर भी चेंजेस आए हैं। एक और पेरेंट भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम उनका मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर चेंजेस आए, तो अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके बच्चों की बात करूँ, क्या कुछ चेंज देखने को मिला स्कूल के जब स्कूल में आए तो? एक्चुअली मैम एजुकेशन तो है ही है पार्ट, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या है, हमारे बच्चे हम सोचते हैं कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, उसके लिए हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए बच्चे की, तो इससे क्या है जो स्कूल में फंक्शंस हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस हैं, बच्चों को नॉलेज मिल रही है, हमारे कल्चर की भी मिल रही है, और ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, एक क्रिएटिविटी बढ़ रही है उनके अंदर जी, जो एक बहुत अच्छी बात है कि उनके फ्यूचर में जो उनको हेल्प करेगी, और जो सबसे मेन चीज मुझे लगती है कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। और भी मैं काफी पेरेंट्स देख रही हूँ उनसे भी बातचीत करते हैं। हाय मैम, क्या नाम है मैम आपका? रूबी। मैम क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में, क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस मिला बच्चे को स्कूल में लेकर आए, तो बच्चे में क्या कुछ चेंज, या क्या इस कार्निवल की, अगर मैं आज के कार्निवल की बात करूँ, तो कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है, एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो सर है, सर से भी बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत से उन पेरेंट्स को, हर पेरेंट को रहता है कि हमारा बच्चा बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाए और अच्छी चीजें सीखे, एक अच्छा इंसान बने, तो आप क्या कुछ उन पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, कैसा कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैम, बच्चा सबसे ज्यादा जो अपना टाइम स्पेंड करता है स्कूल में ही करता है, और हर कोई पेरेंट चाहेगा उनका बच्चा की सेफ हाथों में जाए। यहाँ एडमिट मेरा बच्चा भी जूनियर केजी में है, मेरी स्टार्टिंग यहीं से हुई है, मैंने बहुत से स्कूल ट्राई किए, लेकिन एट द एंड मेरे को स्कूल बहुत अच्छा लगा, इनके
जो भी स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा बच्चा भी बहुत एंजॉय करता है यहाँ पे। आप इनसे बात कर सकते हो योगित? से हेलो। हाय। हेलो। व्हाट्स योर नेम? योगित। योगित, डू यू लाइक योर स्कूल? यस और नो? यस। स्कूल और पेरेंट्स का तो आपने देख लिया, और बच्चे के फेस पर अब जब ऐसी हैप्पीनेस हो, बच्चा खुश हो, पेरेंट्स भी खुश होते हैं और काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ और लोग भी उनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे श्रीराम ग्लोबल स्कूल के बारे में, यहाँ की एक्टिविटीज, स्पेशली अगर मैं क्रिसमस आ गया है, क्रिसमस कार्निवल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम स्कूल काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर स्कूल। मैंने भी, मेरा खुद का बेबी है, बच्चा है, जूनियर केजी में पढ़ता है। मैंने इसके कंपेरिजन में बहुत स्कूल ट्राई किए हैं लेकिन मेरे को हर चीज़ में ये बेस्ट मिला है। सबसे अच्छी बात जो है मैम, यहाँ पढ़ाई तो होती है साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है, जैसे हॉर्स राइडिंग है। एज कम्पेयर टू किसी ने भी पैसे खर्चने हो वो अच्छे स्कूल पे ही खर्चेगा जिसमें एक्टिविटी होगी, हमारा बच्चा खेले सीखे, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है। तो इन द एंड बहुत अच्छा स्कूल है मैम। सुनवाई हो जाती है अगर कोई इशू आ रहा है, कोई बस में है, जीपीएस है, सब चीज़ है, मतलब सेफ्टी के उसमें तो इसको मार्क्स मिलेंगे 5 में से 5 मार्क्स। सो पेरेंट्स का यही इशू रहता है कि कहीं भी स्कूल में हो तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्कशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जो टीचर्स हैं वो अच्छे से सुने। और वो सर ने बोला कि यहाँ पर वो चीज़ मुझे बहुत बेस्ट लगती है। तो बहुत से टीचर्स से भी हमने बातचीत की, पेरेंट्स से भी बातचीत की, बच्चों से भी बातचीत की, सबका एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को सुनने को मिल गया। तो अगर आपके फैमिली में या कोई भी सोच रहा है कि एक अच्छा स्कूल चाहिए तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोगों को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप स्कूल में एक बार आ सकते हैं, आपको सभी डिटेल्स जो है आपको अच्छे से बता दी जाएंगी। तो जब आप एडमिशन करवाने स्कूल में आएंगे कैसा यहाँ पर एटमोसफेयर रहता है, क्या कुछ रहता है, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किस तरीके से एक पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे भी और सभी जो स्कूल का स्टाफ है किस तरीके से उनको अच्छे से समझाते हुए भी दिख रहा है। क्योंकि अगर कोई पेरेंट जो है अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवाता है तो उनको चाहिए होती है चीजें, एक अश्योरेंस चाहिए होता है, वो यहाँ पर मिल रहा है। मैं देख पा रही हूँ स्टाफ के तरीके से किस तरीके से सब लोग साथ में बैठे हैं। तो सर से बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। हाय सर, क्या नाम है आपका? हेलो मैम, माय नेम इज पवनदीप सिंह। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में, क्या कुछ खास लगा जो आज आप यहाँ पर पहुंचे, कार्निवल वाले दिन पहुंचे और एडमिशन करवाते हुए दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? कार्निवल की बात करूँ या फिर अगर बच्चे को लेकर पहुंचे, बहुत बड़ा डिसीजन है एक स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवाना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है स्कूल में बच्चे को चेंज करवाना। कार्निवल वाले दिन आया हूँ, बेटा भी साथ है, बेटे को भी स्कूल पसंद आया, हम लोगों ने विजिट किया। सबसे पहली बात जो ये है कि जहाँ मैं अभी करंट स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है वहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ की लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैंने कई बार कंप्लेंट्स भी किए स्कूल में, स्कूल विजिट किया है जब 50+ बच्चे एक क्लास में है। यहाँ पे मैंने बात की है, बैठा स्टाफ सारा, मैंने बात किया कि 25 से 30 स्ट्रेंथ मैक्सिमम है अगेंस्ट 1 टीचर, विच इज़ वेरी गुड। मैं ये मानता हूँ कि इससे मुझे मेरे बच्चे को पर्सनल टेंशन मिलेगी, सबसे बड़ी बात उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा, यहाँ पे जब पर्सनल टेंशन मिलेगी तो बेस अच्छा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश लैब है, यहाँ पे साइंस लैब है, विच इज़ वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगा, मैंने खुद पर्सनली विजिट किया, बच्चों को काम करते हुए देखा, कंप्यूटर लैब है। एक चीज़ मुझे प्लस मिली यहाँ पे कि ये लोग NTSC जो आज के बाद फ्यूचर में एग्जाम्स होने हैं बच्चों के, जिसमें उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने में मदद मिलेगी, उसकी भी तैयारी करवाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, अच्छा लगा। प्लस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे AC एनवायरमेंट है, मेरे को अभी तक शायद स्टाफ में, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में जरूर बात कर रहा हूँ, बट स्टाफ इज वेल स्पोकन इन इंग्लिश, दे आर वेल ट्रेन्ड, अच्छा स्टाफ है, ये चीजें मुझे अच्छी लगी हैं और इसलिए शायद मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ कि मैं आज ही एडमिशन करवा के जाऊँ। हर पेरेंट का एक यही स्ट्रेस रहता है कि मेरे बच्चे को जो है पर्सनल अटेंशन मिले, और उसी के जो रीजन है कि कार्निवल वाले दिन वो एडमिशन करवाते हुए दिख रहे हैं। और कार्निवल मुझे लगता है सबने एंजॉय किया होगा, हमने आपको पूरा कार्निवल दिखाया, सभी बच्चे किस तरीके से स्टॉल लगाकर अपने टीचर्स के साथ गाइडेंस मिल रहा था, टीचर सभी जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से स्टेज पर जाकर डांस कर रहे हैं, पेरेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है, पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल हमने आप लोगों को पूरा दिखाया। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आप लोगों को यही कहूंगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।